सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। इस बात को आप सभी अच्छे तरीके से समझते होंगे कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करना कितनी इम्पोर्टेंस रखता है और वर्तमान समय में कुछ ही देश ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी पर सही मायनों में महारत हासिल कर पाए हैं, जिनमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस और यूके जैसी कंट्रीज आती हैं। लेकिन अभी कुछ समय से इन कंट्रीज के साथ एक और कंट्री का नाम जुड़ने लग गया है, जो कि है चाइना का। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो देश दुनिया भर में अलग अलग प्रोडक्ट्स की कॉपी बनाने के लिए ज्यादा मशहूर है, उस देश के द्वारा जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी को विकसित किए जाने के दावे किए जाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में चीन ने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है या नहीं। तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं सब चीजों का एक एनालिसिस करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस एपिसोड में आपको आसान से आसान भाषा में समझाने के लिए हम इस चीज की ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाएंगे। अगर आपको इसके टेक्निकल चीजें जाननी है तो इसके रिगार्डिंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com पर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, आप जाकर वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और साथ ही जिस तरीके से आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दिया है, उसी तरह से हमारी वेबसाइट defensexp.com पर भी दे सकते हैं। और अगर आपको आर्टिकल पढ़ने में आलस आता है या फिर आप में से कोई ऐसा है जो किसी चीज को पढ़ने के बजाय उसे सुनना प्रेफर करता है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट पर एक खास फीचर दिया है जिसमें आप हमारे आर्टिकल को सुन भी सकते हैं। बस आपको करना यह है कि आर्टिकल में जो एक प्ले बटन दिया है आपको उस पर बस क्लिक करना है, फिर उसके बाद वो पूरा आर्टिकल अपने आप रीड होगा। बाकी हमारे आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस एपिसोड में हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं तो फिर आप उस चीज की पूरी नॉलेज को हासिल नहीं कर सकते हैं, और जो आधी नॉलेज होती है वो हमेशा ही खतरनाक होती है। नीम हकीम खतरे जान, ये लाइन आप में से कई लोगों ने सुनी भी होगी। और जहाँ तक बात है चाइना की, तो चाइना दो चीज में सबसे ज्यादा मशहूर है, पहला दूसरों का डेटा चुराने में, और अगर इसका कोई अवार्ड होता तो चीन को हर साल इस मामले में एक गोल्ड मेडल तो जरूर मिलता। और हमारे ऐसा कहने के पीछे का कारण यह है कि जब भी अमेरिका के F-22 या F-35 जैसे किसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के डेटा ब्रीच की कोई खबर सामने आती है तो कहीं ना कहीं जाकर अधिकतर मामलों में उनका लिंक चीन से जरूर होता है। और केवल डेटा लीक करने के मामले में ही नहीं, बल्कि रिवर्स इंजीनियरिंग के मामले में भी चीन को हर साल एक गोल्ड मेडल मिल सकता है। और अन्य क्षेत्रों का तो पता नहीं, लेकिन इन दो क्षेत्रों में चीन ने अपनी महारत जरूर हासिल की है। और एक छोटे से स्क्रू से लेकर एयरक्राफ्ट, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी चाइना ने कॉपी ना बनाई हो। आपको चाइना में हर एक चीज का कॉपी वर्जन जरूर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसे कितना ही परफेक्टली कॉपी कर लो, होगी वो आखिर में कॉपी ही। और चाइना के इन्हीं कॉपी प्रोडक्ट्स की बदौलत हमारे देश में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि चाइना का माल है चले तो चांद तक वरना शाम तक। और यही वाली बात आती है चाइना के जेट इंजन्स में भी। आपको बता दें कि जितने भी मेड इन चाइना इंजन्स कहे जाते हैं वो सभी किसी न किसी रशियन इंजन की ही कॉपी हैं या उनके डेरिवेटिव हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन को ये सब करने की प्रेरणा आखिर मिली कहाँ से? तो चीन की जो इंजन्स को कॉपी करने की शुरुआत है वो शुरू हुई थी 1980 से, जब चीन पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए थे। अब अगर प्रतिबंध लगाए अमेरिका की तरफ से तो जाहिर सी बात है जो वेस्टर्न कंपनीज हैं वो चीन को अपनी टेक्नोलॉजीज नहीं देंगी। और अमेरिका ने चीन पर हथियारों के लिए प्रतिबंध लगाया था, यानी कि चीन को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं होंगे और उनमें एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। तो इसीलिए चीन ने फैसला लिया कि अब वो अपनी खुद की एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज को विकसित करेगा, जिसमें इंजन सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी थी। और फिर अगर अमेरिका की तरफ से किसी कंट्री पर प्रतिबंध लगा है तो फिर दुनिया में एक ही कंट्री बसती है जो उसको इस प्रतिबंध के बावजूद टेक्नोलॉजीज दे सकती है, और उसका नाम है रशिया। क्योंकि रशिया और अमेरिका एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, और इसलिए हुआ भी है, जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो रशिया की तरफ से चीन को कई सारे फाइटर्स सेल किए गए। और शायद आप में से कई लोगों को ये बात मालूम ना हो कि जिस कारण के चलते चीन ने अपने खुद की इंजन टेक्नोलॉजीज को विकसित करने का सोचा था, वही कारण भारत के कावेरी इंजन प्रोग्राम के पीछे भी है। क्योंकि जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था तब अमेरिका ने भारत पर भी इसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया था, और इसलिए कहा जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बाद भारत ने अपने कावेरी इंजन जैसे प्रोग्राम को शुरू करने की योजना बनाई। लेकिन भारत आज तक अपने जेट इंजन को विकसित क्यों नहीं कर पाया है, इसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बनाई है, आपको उसका लिंक इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन चीन ने पूरी कोशिश करी कि वो इंजन्स को अपने वहाँ स्वदेशी तौर पर विकसित करे, और जिसके लिए चीन ने बेशुमार पैसा भी खर्च किया। लेकिन इसी सेम फेस में जब चीन अपने इंजन को खुद से विकसित करने की कोशिश कर रहा था, उसने टेक्नोलॉजी को चुराना भी शुरू किया था। क्योंकि अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को खुद से स्क्रैप से बना रहे हैं या उसे विकसित कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा,
उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। लेकिन अगर आप वही टेक्नोलॉजी कहीं से चुरा रहे हैं और फिर उसी टेक्नोलॉजी पर अपना कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें पैसा कम लगेगा, क्योंकि उसमें आपको कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा नहीं करनी है, वो ऑलरेडी उसमें हो चुकी है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चीन का WS10 इंजन है उसकी जो कोर है वो CFM इंटरनेशनल CFM56 टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि चीन ने 1980 में हासिल की थी। और इस इंजन को विकसित करने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि रशियन AL-31 सीरीज के इंजन के आधार पर ही इंजन को रिप्लेस किया जाए या उन्हें बनाया जाए। और फिर इसमें चीन ने अपने WS-10 इंजन के साथ टारगेट रखा कि इसको 130 किलोन्यूटन तक के थ्रस्ट वाला इंजन बनाएंगे। और फिर ये फुल स्केल WS-10 इंजन दिखाई दिया सबसे पहले 2008 में चीन के इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन में। लेकिन ये इंजन सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि इसका टारगेट था कि ये 130 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट वाला इंजन होगा, पर ये केवल 110 से 125 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा था। और AL-31 इंजन की तुलना में इसको थ्रस्ट जनरेट करने में काफी लंबा समय लग रहा था। यानी कि चीन ने इस इंजन को बनाया रशिया के AL-31 इंजन के आधार पर, चूंकि उसमें इंजन की जो मेन कोर टेक्नोलॉजी थी वो चीन को तो नहीं मिली थी। और रशिया की या कोई भी कंट्री अपनी कोर टेक्नोलॉजी कभी भी किसी को नहीं देती है, वो बस कहने की बात है कि हम फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता है। और चीन का जो ये WS-10 इंजन था इसका जो MTBO यानी कि मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉलिंग था वो केवल 30 घंटे का था, यानी कि हर 30 घंटे के बाद इसे मरम्मत की जरूरत पड़ती थी। यानी कि ये इंजन ना तो अपने टारगेट थ्रस्ट को जनरेट कर पाया था और ना ही इसकी कोई टेक्निकल लाइफ थी। और असल में इस इंजन को बनाया गया था फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए। इनके अलावा चीन का एक WS-13 इंजन है जो कि मुख्य तौर पर चीन के UCAVs को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इस इंजन के बारे में जानकारी ज्यादा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसको लेकर यह कहा जाता है कि ये चीन के WS-10 और WS-15 इंजन के बीच का वेरिएंट है। और जो WS-15 है उसे मुख्य रूप से फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स के लिए विकसित किया गया है। लेकिन इस WS-15 के 2015 में टेस्ट बेड ट्रायल्स की रिपोर्ट्स आई थी और ऐसी कई रिपोर्ट में दावा भी किया गया था कि ग्राउंड टेस्ट के दौरान ये इंजन ब्लास्ट भी हुआ था। और चीन के लिए इस WS-15 इंजन को विकसित करना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि चीन का जो सो कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर J-20 था वो अपनी फाइनल स्टेज में था, लेकिन जब ये ब्लास्ट वाला इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद एक तरीके से इस इंजन के लिए बीच में बाधा पड़ गई थी। और जब ये सब हुआ तो चीन को ये बात का रियलाइजेशन हुआ कि उसकी इस टेक्नोलॉजी में कई सारे इश्यूज हैं। और फिलहाल वर्तमान समय में चाइना के J-20 फाइटर्स में WS-10 इंजन इस्तेमाल हो रहा है, जो कहने को तो चाइनीज इंजन है लेकिन वो एक तरीके से रशियन इंजन AL-31 का ही डेरिवेटिव है। और चीन का WS-15 अभी भी सही से विकसित नहीं हो पाया है। और टेक्नोलॉजी को चुराना या रिवर्स इंजीनियरिंग करना हर बार मददगार साबित इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस मामले में टेस्टिंग डेटा और इंडस्ट्रियल इकोलॉजी की हमेशा कमी रहती है। और यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि अगर आपने टेक्नोलॉजी चुराई है तो भी आपको उसमें से जो उसके फॉरेन सिस्टम से उनको अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो वो भी काफी महंगा पड़ेगा और ऊपर से उसमें टाइम भी काफी ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसको रिप्लेस करने का मतलब है कि आपको उसको फिर से जीरो से बनाना पड़ेगा। और कुछ भी करके अगर आप उसके सिस्टम्स को अपने सिस्टम से रिप्लेस कर भी देते हैं तो भी उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो रिलायबिलिटी है और उनकी जो कैपेबिलिटी है वो ओरिजिनल कॉम्पोनेंट की तुलना में कमी रहेगी, क्योंकि आपने उसको उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है। और यही कारण है कि चीन के अधिकतर इंजन की जो लाइफ स्पैन है वो काफी कम है और ना ही उनमें ज्यादा पावर होती है। और इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ तो आप इसी बात से ले लीजिए कि पाकिस्तान जो कि चीन के ही रहमो करम पर आजकल चल रहा है, उसको चीन ने अपना JF-17 फाइटर दिया। तो फिर ऐसा क्यों है कि चीन ने उस JF-17 फाइटर में अपने इंजन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आखिर क्यों उसमें अभी भी RD-93 इंजन ही इस्तेमाल हो रहे हैं? इसका एक ही जवाब है कि चाइना के इंजन इतने अच्छे नहीं हैं जितने वो दिखाए जाते हैं। और चलिए, चाइना ने दिया या नहीं दिया, आखिर पाकिस्तान ने भी चीन के इंजन को क्यों नहीं चुना? और बात केवल यहीं तक नहीं है, बल्कि चीन का जो J-20 फाइटर है उसके भी इंजन को करीब 3 बार चेंज किया गया है। और जो चीन का WS-15 इंजन 2015 में फेल हो गया था, उसके बाद चीन ने ये सोचा कि वो रशिया के AL-41 सीरीज ऑफ इंजन के लिए रशिया के पास जाएगा, जो कि AL-31 इंजन से ज्यादा सुपीरियर है। और ये वही सेम इंजन है जो भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम में भी इस्तेमाल होगा। लेकिन हुआ ये कि चीन रशिया के पास गया तो, लेकिन रशिया ने ये AL-41 इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो चीन को देने से मना कर दिया और कहा कि ये इंजन चीन को Sukhoi-35 फाइटर्स के साथ ही मिल सकता है, क्योंकि अब तक रशिया को भी बात समझ आ गई है कि चीन उनके टेक्नोलॉजी के साथ क्या करता है, क्योंकि करीब चीन के 5 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो रशियन काउंटर पार्ट्स के ही डायरेक्ट कॉपी हैं। और वैसे भी रशियन सोर्स ये दावा करते हैं कि उनके इंजन को बिना ब्रेक किए उस इंजन के हार्ट तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। और अगर रशिया का ये दावा सही है तो फिर आप ये मान लीजिए कि चीन का जो रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयास चल रहा है तो ये चाइनीज एयरफोर्स को बिल्कुल लूट लेगा, क्योंकि उनके ये एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बिना इंजन्स के यूजलेस हैं। और कोई भी एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन कहने से नहीं हो जाता है, उसके अंदर उसके हिसाब से इंजन भी होना चाहिए।
अब हर कोई एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के JF-17 की तरह थोड़े ना है कि जो वो मंगल ग्रह पे भी चले जाए। बाकी कुछ ऐसे रूमर्स हैं कि चीन का जो WS-15 इंजन है, जो आप ये मान लीजिए कि चीन का सबसे एडवांस इंजन है, और चीन अपने इस WS-15 इंजन को अमेरिकन इंजन से भी ज्यादा कैपेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंजन बना भी ले तो भी सवाल ये होता है कि क्या वो अमेरिकन इंजन की तुलना में उतनी अच्छी लाइफ और उतनी अच्छी रिलायबिलिटी के साथ आएंगे या नहीं। यानी कि अभी भी चाइनीज इंजन को अच्छी तरीके से विकसित होने में काफी लंबा समय है। लेकिन इन सब चीजों का फायदा तभी है जब भारत अपने खुद के कावेरी इंजन जैसे प्रोग्राम को सही समय पर पूरा कर ले। और चीन भले ही रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, डेरिवेटिव कर रहा है, लेकिन कम से कम वो इस दिशा में काफी तेजी से काम कर रहा है। तो इसलिए भारत को भी अपने जेट इंजन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने की बेहद जरूरत है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।